गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थीगण, आज इस लेक्चर में मैं आपको व्याकरण में शब्द सागर समझाऊंगी। शब्द सागर का अर्थ होता है शब्दकोश, यानी शब्द की डिक्शनरी, जहां हमें शब्दों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। हम पहले देखेंगे शुद्ध लेखन, यानी शब्दों को शुद्धता से लिखना। शुद्ध लेखन, शब्द रचना में वर्तनी का विशेष महत्व होता है। पढ़ते लिखते समय वर्तनी को ध्यान में रखते हुए उच्चारण करना पड़ता है, यानी हम कुछ भी शब्द लिखते हैं तो हमें वर्तनी को ध्यान में रखते हुए उच्चारण करना पड़ता है, नहीं तो शब्द शुद्ध से अशुद्ध बन जाते हैं। जैसे यहाँ अशुद्ध शब्द है और यहाँ शुद्ध शब्द है। नरक, अशुद्ध शब्द में नरक, तो शुद्ध शब्द में हम कैसे लिखेंगे? नरक। यहाँ प्रमाण, प्रमाण। शर्म, शर्म। औरत, औरत। क्रोध, क्रोध। चूर्ण, चूर्ण। व्रत, व्रत। त्योहार, त्योहार। हंसना, हंसना। कोष्ठक, कोष्ठक। तो इस तरह अशुद्ध में से शुद्ध शब्द बनाए जाते हैं। तो इस तरह हमें अशुद्ध में से शुद्ध शब्द लिखने, जैसे यहाँ प्रातः, प्रातः। सच्चा, सच्चा। जहाँ, जहाँ। जैसे चंद्राकार बिंदु रख के हम इस तरह लिखते हैं। चक्र, चक्र। वर्ष, वर्ष। पांचवी, पांचवी। कृपा, कृपा। ऋण, ऋण। बल्ब, बल्ब। दर्शन, दर्शन। तो इस प्रकार अशुद्ध शब्द में से शुद्ध शब्द इस तरह बनाए जाते हैं। नंबर दो, योग्य क्रमानुसार अक्षर लिखकर अर्थपूर्ण शब्दों की रचना। जैसे यहाँ अक्षर उलट पुलट दिए हैं, जैसे हमें क्रम में अक्षर नहीं दिए हैं, तो हमें यह अक्षरों को क्रम में लिखकर अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं। जैसे नभि अया, तो इसका इस शब्दों को हम क्रम में रख के अभियान इस तरह अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे। हर रागी, राहगीर। गी उ योग प, उपयोगी। ताप लावा, वार्तालाप। नबी जखो, खोज बिन। लीत पुठक, कट पुतली। न कु पश, अपशुकन। सिन कमा, मानसिक। कापुस्ता यल, पुस्तकालय। नल अमो, अनमोल। त्रधा सुर, सूत्रधार। रिदान माई, ईमानदारी। तो इस प्रकार जो शब्द क्रम में नहीं दिए, अक्षर क्रम में नहीं दिए गए हैं, तो उन अक्षरों को क्रम में रखकर इस तरह हम अर्थपूर्ण शब्दों को बना सकते हैं। नंबर तीन, वर्णानुसार शब्द दिए गए शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखिए। जो यहाँ वर्ण क्रमानुसार शब्द दिए गए हैं उन्हें वर्ण के क्रम में लिखना है। जैसे एक, आइए। औषधि, अंगूर। ऐनक और ऊर्जा। तो यह जो सारे स्वर हैं, इन स्वरों को हमें वर्ण के अनुसार क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आई, अ का शब्द नहीं है तो आ, आइए। फिर एक, छोटी इका नहीं है, एक। ऊर्जा, फिर ऐनक, औषधि और अंगूर। इस प्रकार हमने शब्दों को क्रम में, वर्णों को क्रम में लिखा है। दूसरा, काम, केला, किसान, कोयल, कक्षा, कौतुक। तो यह सब क के ही, एक ही वर्ण के सारे शब्द हैं। तो हमें बारह खड़ी में के अनुसार, बारह खड़ी के अनुसार इन वर्णों को क्रम में लिखना है। जैसे क से पहले कक्षा, काम, फिर किसान,
केला, कोयल और लास्ट में जो दो मात्राएं आती है कौतुक। इस प्रकार हमें वर्णों को क्रम में लिखना है। तो हमने वर्णों को क्रम में इस प्रकार लिखा हुआ है, तो आपको भी यह सब सीखना है। नंबर 4, शब्दों को क्रम में लिखकर वाक्य रचना। क्रम में जैसे हमने आगे देखा कि जो अक्षर थे क्रम में नहीं थे, उलट पुलट दिए गए थे, उन अक्षरों को हमने क्रम में रखकर अर्थपूर्ण शब्द बनाया। वैसे ही यहाँ शब्द दिए हैं, उनको हमें क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। दिए गए अक्रमिक शब्दों को क्रम में लिखकर अर्थपूर्ण वाक्य की रचना। जैसे यहाँ प्रश्न दिया गया है, गया हो चमत्कार एक तभी, तो हम इन शब्दों को क्रम में रखकर इस प्रकार वाक्य उत्तर बनाएंगे, तभी एक चमत्कार हो गया। आ चिल्ला सभी उठे बच्चे से खुशी, इसका उत्तर है सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। ई से आ सब रहे गर्मी से परेशान नज़र, तो इन वर्णों को हम शब्दों को क्रम में रखकर इस तरह अर्थपूर्ण वाक्य बनाएंगे, सब गर्मी से परेशान नज़र आ रहे थे। तो इसमें हमने जो शब्द उलट पुलट दिए थे, क्रम में नहीं रखे थे, उन शब्दों को क्रम में रखकर यहाँ उत्तर में अर्थपूर्ण वाक्य बनाना सीखा। नंबर 5, समोच्चारित मीनार्थक शब्द। समोच्चारित मीनार्थक, जिसका वर्तनी में अंतर होता है, मात्रा एवं वर्तनी में अंतर होता है, मगर उनका जो उच्चारण होता है वह समान होता है। उच्चारण करने में शब्द एक जैसे लगते हैं, परंतु उनका जो अर्थ होता है बिल्कुल अलग होता है। हिंदी भाषा में कुछ युगल शब्द जैसे मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं जिनकी मात्रा एवं वर्तनी में अंतर होता है और उच्चारण में समान लगते हैं। मात्रा, जिसकी मात्रा और वर्तनी अलग होती है परंतु उसका उच्चारण करने में एक समान लगते हैं। जिनके अर्थ में भिन्नता होती है उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्दों के प्रयोग में सतर्कता रखनी चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। जब भी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहीं भी हम लिखते हैं, तो हमें सतर्कता से वह शब्द लिखना चाहिए, अर्थ का अनर्थ न होने पाए। यानी हम कुछ शब्द लिखने जाए और उसका अर्थ कुछ अलग हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अर्थ का अनर्थ न हो जाए होने पाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमें यहाँ शब्द दिए गए हैं, अनल, अनल यानी आग, आदि यानी आरंभ, कुल किनारा, दिन दिवस, तरणी नाव, अनिल हवा, आदि अभ्यस्त, कुल वंश, दिन गरीब, तरुणी युवती स्त्री। तो यहाँ अनल, यहाँ अनिल है, यहाँ आग है और यहाँ हवा। हम बोलने में एक जैसा लगता है परंतु जोड़नी, यहाँ अनल है यहाँ अनिल है, तो यहाँ पर पूरा अर्थ बदल जाता है। यहाँ आग है यहाँ हवा है। आदि यानी यहाँ आरंभ, आदि यानी अभ्यस्त, कुल किनारा भी होता है, यह कुल वंश, दिन दिवस, दिन। जोड़नी की जो भी हम जोड़नी से लिखते हैं तो एक शब्द के अनेक अर्थ बन जाते हैं। तरणी यानी नाव और तरुणी यानी युवती स्त्री। वैसे ही अन्य दूसरा, अन्न अनाज, शूर वीर, सूर अंधा, ग्रु गर, ग्रह आकाशीय पिंड, मूल जड़, मूल्य कीमत, आय आमदनी, आयु उम्र। तो इस प्रकार मात्रा और अंतर वर्तनी में अंतर होता है, बोलने में एक जैसे लगते हैं परंतु इसके अर्थ बिल्कुल अलग है। अगर हमसे लिखने में एक भूल भी हो जाती है, विराम चिन्ह रखने में, या तो जो छोटी बड़ी की मात्रा है
छोटा हो बड़ा हो, वह भी हमें लिखने में अगर गलती हो जाती है तो हमें पूरा शब्द का अर्थ पूरा अलग ही मिलता है। हम जो शब्द लिखना चाहते हैं उसका पूरा अर्थ बदल जाता है। तो इस प्रकार हमें इन शब्दों को लिखने में ध्यान रखना चाहिए। नंबर 6, युग्म शब्द। युग्म शब्द यानी एक जैसे, हिंदी भाषा में युग्म यानी युगल शब्द प्रयोग में आते हैं। विपरीत होते हुए भी समान अर्थ भाव प्रकट करते, एक दूसरे से विपरीत होते, ऑपोजिट होते हैं, फिर भी उनका अर्थ एक जैसा ही, एक ही भाव प्रकट करते हैं, जिनका प्रयोग सावधानीपूर्वक भाव या अर्थ समझाते हुए करना चाहिए। यह जो शब्द हैं उनका प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है हार जीत, हार और जीत दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, परंतु भाव प्रकट करते हैं, उसका समान अर्थ मिलता है। जैसे हार जीत, सुख दुख यह दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट है, परंतु विपरीत होते हुए भी ये समान अर्थ भाव प्रकट करता है। सीधी सादी, साफ सुथरा, स्त्री पुरुष, चुपके ऊंची, पढ़ना लिखना, यह जो शब्द है इसे युग्म शब्द कहा जाता है, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं फिर भी इनका समान अर्थ समान भाव ये प्रकट करते हैं। तो ऐसे शब्द लिखते हुए भी हमें सावधानी पूर्वक लिखने चाहिए। नंबर 7, अनेकार्थक शब्द। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं। कितने ऐसे शब्द होते हैं, अनेक शब्द होते हैं जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं। एक ही शब्द के कितने अनेक अर्थ होते हैं। जैसे नंबर 1, पानी, तो चमक जल। नंबर 2, कनक, धतुरा स्वर्ण। नंबर 3, जड़, मूर्ख मूल। नंबर 4, घट, कमर गड़ा। नंबर 5, बाल, केश बालक। नंबर 6, वर, दूल्हा वरदान। नंबर 7, धूप, तो सूर्य प्रकाश, पूजा सामग्री। नंबर 8, सूर, सूर्य, अंधा। नंबर 9, अरुण, लाल सूर्य। नंबर 10, फल, तो परिणाम और पेड़ का फल। तो इस प्रकार एक शब्द के कितने अर्थ बनते हैं। शब्द भी अलग अलग होते हैं, अनेक होते हैं, और उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। इन शब्दों का हम वाक्य प्रयोग करेंगे। शब्द इसके अर्थ हैं और इसका वाक्य है। जैसे वर, तो दूल्हा और वरदान, एक शब्द के दो अर्थ बनते हैं। इनका वाक्य, वर को मंडप में बुलाइए, फेरों का समय हो गया। तो वर यानी जो पति होता है वह वर को मंडप में बुलाइए, फेरों का समय हो गया। और दूसरा वर यानी वरदान, भगवान मुझे वरदान दो। तो इस प्रकार एक शब्द के दो अर्थ बनते हैं, उसके दो अलग अलग वाक्य बनते हैं। नंबर 2, धूप, जिसका अर्थ है सूर्य प्रकाश और पूजा सामग्री। इसके वाक्य, आजकल धूप बड़ी तेज है। पूजा सामग्री, आरती के समय थाली में धूप आवश्यक है। तो एक शब्द धूप के दो अर्थ बने, सूर्य प्रकाश और पूजा सामग्री, इनके दो वाक्य बने। नंबर 3, बाल यानी केश और बालक, तो इस बाल शब्द के दो अर्थ बने, इसके दो वाक्य, केश काले, केश काला लगाने से बाल सुंदर हुए। बालक, यह बाल गोपाल बड़ा प्यारा है। तो इस प्रकार एक ही शब्द के दो अर्थ बने और उसके दो अलग अलग वाक्य बने। तो एक ही शब्द के कई सारे अर्थ भी होते हैं और उनके अलग अलग कई वाक्य बनते हैं। नंबर 8, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य के लिए एक ही शब्द लिखा जाता है। जैसे हम शब्द समूह के लिए एक शब्द गुजराती में लिखते हैं,
इसी प्रकार वाक्य के लिए एक ही शब्द में जवाब लिखना होता है। जैसे अपूर्ण वाक्य या वाक्यांश में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में देने पड़ते हैं। इन प्रकार सही शब्द की पहचान होती है। शब्दों को संक्षिप्त परिभाषा को ध्यान में रखकर उत्तर देना पड़ता है। जैसे कोई अपूर्ण वाक्य या वाक्यांश है तो उसमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर एक ही या दो शब्दों में ही दिया जाता है। जैसे यहाँ हमें कुछ प्रश्नों दिए गए हैं, अधूरे वाक्यांश दिए गए हैं जो अपूर्ण है, इसका हमें एक ही शब्द में उत्तर लिखना है। नंबर एक, पर्वत पर रहने वाला वाक्यांश है, अनेक शब्द एक शब्द, पर्वत पर रहने वाला एक शब्द में हम उत्तर लिखेंगे पर्वतीय। नंबर दो, मन को मोहित करने वाली, एक ही शब्द में हम उत्तर लिखेंगे मनमोहिनी। नंबर तीन, जो आँखों के सामने हो, एक ही शब्द में हम उत्तर लिखेंगे प्रत्यक्ष। नंबर चार, काम से जी चुराने वाला, कामचोर। नंबर पाँच, भारत में रहने वाला, एक ही शब्द में लिखेंगे भारतवासी। नंबर छः, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। नंबर सात, साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। नंबर आठ, हिम से आच्छादित, हिमाच्छादित। नंबर नौ, जिसमें बल हो, एक ही शब्द में उत्तर लिखेंगे सबल। नंबर दस, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, एक ही शब्द में हम उत्तर लिखेंगे आस्तिक। नंबर बारह, कविता रचने वाला, एक ही शब्द में उत्तर लिखेंगे कवि। नंबर जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, एक ही शब्द में हम उत्तर लिखेंगे नास्तिक। तेरह, जिसका कोई अंत न हो, एक ही शब्द में अनंत। नंबर चौदह, जिसकी तुलना न हो सके, अतुलनीय, एक ही शब्द में हम उत्तर लिखेंगे अतुलनीय। नंबर पंद्रह, हंसता हुआ मुख, जिसका एक ही शब्द में उत्तर लिखेंगे हसमुख। तो इस प्रकार हमें वाक्यांश दिए गए होते हैं, उसके अनेक शब्द होते हैं और हमें एक ही शब्द में या दो शब्द में इसका उत्तर लिखना होता है। तो इस प्रकार यह सब व्याकरण आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। आपको यह जो व्याकरण है मैं लर्न करने दे रही हूँ, आपको इसे ध्यान से लर्न करना है, समझना है। तो विद्यार्थीगण, आप हिंदी में जो भी व्याकरण मैंने आपको समझाया है, यह सब व्याकरण आप समझे होंगे। जो भी मैंने आपको वाक्य प्रयोग करवाया उसे भी आपने समझा होगा। आपको यह व्याकरण लर्न करना है। विद्यार्थीगण, मैं आपको एक कहानी भेज रही हूँ, आपको उस कहानी को समझना है और फिर निबंध बुक में लिखना है।